सर ये हमारा सर आज 17 डेज हो गए हैं, हम सब बहुत परेशान हैं एडमिनिस्ट्रेशन से। मैं आपको सभी पता होगी कि 6 तारीख को एग्ज़ाम होता है, उसके बाद 22 अप्रैल को रिज़ल्ट आता है, तब ये एडमिनिस्ट्रेशन, वही एडमिनिस्ट्रेशन जो आज हमें इंक्वायरी पे बिठा था, हमें उससे कोई परेशानी नहीं है, तब ये कहता है 6 तारीख को कि ये फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्ज़ाम हुआ है। ये उनके वर्ड हैं, किनके? JKSSB चेयरमैन के, अलॉन्ग उनके साथ जो DC थे, कहाँ के, जो डिस्ट्रिक्ट जितने भी हैं जहाँ पे एग्ज़ाम होता है, वो कहते हैं फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुआ। हमने मान लिए बच्चों ने 22 अप्रैल को एग्ज़ाम रिजल्ट इसका आउट होता है। कुछ एलिगेशंस लगते हैं कि 12 और 12-14 सेंटर पे कुछ धांधली है, कुछ शिकायत थी। जहांगीर साहब जी जी ने तब क्लैरिफाई किया था, वहाँ से सेंटर से एक बच्चा निकला है, दूसरे सेंटर से 2 बच्चे निकले हैं, तो वो भी मसला वहीं पर हल हो गया। और एक सेंटर से अधिक बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से, बात वहीं पर ख़त्म हो जाती है सर। फिर 17 मई को होता है हमारी डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन, जो इसका लास्ट पार्ट था, सभी बच्चे जाते हैं वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरीफिकेशन करवाते हैं, और 25 मई तक वो फिनिश हो जाता है। तो उसके बाद हम किसका वेट करते हैं? प्रोविजन लिस्ट का, ताकि वो प्रोविजन लिस्ट आए, फिर उसको उसके बाद सिलेक्शन लिस्ट आए और हम ज्वाइन करें। होता क्या उसके बाद सर कि सब इंस्पेक्टर में आपने देखा, जो भी हुआ है उससे हमें कोई लेना देने नहीं है, वहाँ पे जो भी कुछ हुआ पाया गया उसकी वजह से उसको रद्द कर दिया गया, स्क्रैप कर दिया गया। वहाँ पे जैनू केस भी था, क्यों? क्योंकि लाइब्रेरी पे सवाल उठे, जो भी इतने सवाल उठे सिबलिंग वगैरह जो भी केसेस है, हम पे उसके बाद सवाल उठे हैं। क्यों उठे हैं? क्योंकि मैरिट रखने कराए, वो तो 2013 से करवा रही थी, फिर जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हम सारे यहाँ पे एक्सपोज किए। अगर फिर भी हम कहते हैं कि अगर कोई भी पाया जाता उसको बाहर निकालिए, हम उसके साथ खड़े नहीं हैं, परंतु हमारी गलती क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन से मैं पूछना चाहता हूँ, हमारी गलती क्या है? जहाँ तक सर हमें गलती पता चल रहा है, इनके पास फंड ही नहीं है। सर हमारी डिमांड यही है जो थी पहले दिन से, हम स्क्रैप के खिलाफ हैं, जो झूठे बातें जो कर रहे हैं, 30,000 नौकरियाँ कहाँ पे, मैं पूछना चाहता हूँ उनसे, कोई 30,000 नौकरी यहाँ पे नहीं है। जो हमारी उल्टी 972 थी वो भी वापस छीन रहे हैं, क्यों छीन रहे हैं उसकी वजह बताएं हमें? जहाँ तक हमें लगता है इनके पास फंड ही नहीं है एक्चुअली में। और दूसरी बात, हमारा जो एजेंडा था वो पहले दिन और आखिरी दिन तक तय रहेगा, हम स्क्रैप के खिलाफ हैं। अगर कोई भी स्टूडेंट कोई गलती से आता है, उसको एलिमिनेट करिए। जो हमें कि लगता है इतने दिन होने के बाद इनके पास कोई रीज़न ही नहीं था, इन्हीं पे सवाल उठते हैं, इन्हीं को पूछना चाहिए। और लास्ट में फिनिश करने से पहले मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, LG साहब ने खुद कहा था कि JKPSI के सिवाय सारी फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुई हैं। अगर वो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट हुई तो उस पर इंक्वायरी कैसे बैठ गई? अगर वो बैठती भी है हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो CPA बिठाइए, जो बिठाने हैं बिठाइए, उसको एलिमिनेट कीजिए, जल्दी से जल्दी हमारी सिलेक्शन लिस्ट दीजिए, वही हम मीडिया पे कुछ जो है चलता है कि शायद क्योंकि जस्ट बिकॉज के फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और SI का पेपर लेने वाली एजेंसीज और कंपनी सेम है, तो अगर उसमें कुछ पाया गया तो डेफिनेटली इसमें भी कुछ होगा। तो सर उस क्वेश्चन का मैं आंसर करना चाहूँगी कि अभी आपको पता है कि अभी 1-2 दिन पहले JKSSB को 700+ कुछ वैकेंसीज जो है वो दी गई हैं। तो सर अगर ऐसा कुछ होता कि अगर एक कंपनी जो है वो एक पेपर में कुछ स्कैम पाया गया और दूसरे पेपर में भी ज़रूरी है कि वो स्कैम पाया जाता, तो ऐसा जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो फिर से JKSSB को इतनी सारी पोस्ट जो है वो रिक्रूट नहीं करती। तो सर इससे ये साफ पता चलता है कि कहीं पर भी कुछ भी नहीं था, ये बस एक जो ट्रेंड चलाया गया था कि एक में अगर स्कैम है तो दूसरे में भी स्कैम है। हम बस ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है हमारी सिलेक्शन लिस्ट जो है वो इसको यहाँ पर लाया जाए। सर LG एडमिनिस्ट्रेशन बात करती है कि हम लोग जो है करप्शन के अगेंस्ट है, डेफिनेटली सर हम लोग भी करप्शन के अगेंस्ट है, तभी हम लोग जो है इतने दिन से यहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर हम लोग करप्शन को सपोर्ट कर रहे होते तो डेफिनेटली हम यहाँ पे इतना दिन जो है वो नहीं बैठते। एंड दूसरा मैं ये बोलना चाहती हूँ कि LG सर जो है हमेशा बात करते हैं कि वो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं, कि वो करप्शन को हटाना चाहते हैं, तो हम भी पूरा उनका जो है साथ देना चाहते हैं इस चीज़ में, हम भी करप्शन को जो है ख़त्म करना चाहते हैं। तो करप्शन जो है सर मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को जो है जस्टिस दे के भी जो है ख़त्म किया जा सकता है, और एक एग्जाम्पल जो है सेट हो सकती है, ताकि जो आने वाली जनरेशन है वो जो इस चीज़ को देखे कि किस तरीके से जो है मेरिटोरियस जो कैंडिडेट्स थे उनके साथ जो कुछ भी इनजस्टिस नहीं हुआ था।